थैंक यू। पूरी लाइफ कमा के क्या आपके हस्बैंड इतना धनराशि जमा कर पाते क्या? नहीं नहीं कर पाते नहीं। ना। और देखिए ये इनका टीम है, कितना टीम लगाए थे? दो टीम लगाए थे आप? हाँ, दो टीम। लोग 20 टीम लगा के नहीं जीत पाते, आप दो टीम में जीत गए। देखिए भाग्य जिसको साथ दे तो हो ही जाता है। बनाए थे कैप्टन और वॉइस कैप्टन बनाए थे कुलदीप यादव। कैसे टीम बनाते थे? बहुत सारे पुरुष विनर से मिले हम, बार बार जानने की कोशिश की, क्या कोई जादू मंत्र है, क्या कोई ट्रिक्स है जिससे लोग राशि जीती है आप? 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ। 2 करोड़ कितना होता है? एक दो बार नहीं, कई बार पूछेंगे आपसे कि कितना धनराशि जीते हैं। 2 करोड़ ही जीते हैं। 2 करोड़? हाँ, 2 करोड़। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो है, क्योंकि हम लोग मजदूर लोग हैं तो किसान लोग के लिए तो ज्यादा तो है। किसी को कहेंगे कि हम 2 करोड़ जीते हैं, कोई विश्वास करने वाला है? बहुत ऐसा जगह हुआ कि नहीं, ये आप तो झूठ तो नहीं बोले, फेक तो नहीं है, ये बात चर्चा हुआ जिस समय हम बताए कि नहीं, ये ऐसा नहीं रहा था, लेकिन इसको मना कर रहे थे। फिर सोचे कि देखा जाए, एक बार लक अपना आजमाया जाए कि मेरा लक कहाँ तक साथ देता है। आज इतना बढ़ गया है कि बच्चे बूढ़े जवान और युवा की अगर बात करी जाए ना, तो भाई शायद ही कोई युवा बचा होगा जो आज ड्रीम इलेवन से बचा हो। हर कोई चाहता है और सोचते रहता है कि ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के करोड़पति बनना है, बट सबके बस की बात नहीं और सब बन भी नहीं पाते हैं, चूँकि यहाँ नॉलेज तो चाहिए ही, साथ ही साथ लक भी चाहिए। तो लक जिन व्यक्ति के साथ होता है उनके साथ ड्रीम इलेवन का मुकद्दर भी होता है, और वो किसी न किसी प्रकार से भले थोड़ा समय लगे जीत ही लेते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम पूर्णिया के बनवनखी में, और हमारे सामने दो शख्स बैठे हैं, दोनों पति पत्नी हैं। अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने भी IPL 2024 के सीज़न में ड्रीम इलेवन पर टीम लगाया है और बहुत बड़ी धनराशि जीती है। क्या जीता है, कितना जीता है और कैसे जीता है और कैसे टीम लगाते थे, इसके बारे में बात करेंगे और सारा कुछ आपको बताएंगे कि आखिर कब की घटना है। अब बैठिए। वैसे तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि पहली बार है कि कोई महिला ड्रीम इलेवन से रिलेटेड हमारे चैनल पे बात करेंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आप लोग को भी। मेरा नाम मुनमुन है और मेरा पति जी ये हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ID बनाए थे और टीम तो वही लगाते थे, क्योंकि हमको ज़्यादा जानकारी तो है नहीं क्रिकेट के बारे में, तो मेरे हस्बैंड लगाते थे तो वही लगाए थे, ये आगे हमको जानकारी नहीं है। मुनमुन हाजदा आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम मुनमुन कुजूर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? पंकज उराव। पंकज उराव जी, तो आपके क्षेत्र में आपके बारे में जोर शोर से चर्चा चल रही है, बनवनखी में ही थे तो पता किए तो पता चला कि आपका गाँव है और आप यहाँ से जीते हैं। काफ़ी दूर तक इस बात का मतलब आगाज हो चुका है, लोग जान चुके हैं कि पैसा जीते हैं। जी हाँ, बहुत दूर से फ़ोन भी, रिश्तेदारी से फ़ोन आता है, पता लग गया सबको कि क्या बात हुआ, आप प्राइज जीते हैं, पुरस्कार। अच्छा। बधाई देने के लिए फ़ोन करते हैं। अच्छा, इससे बहुत खुशी अनुभव होता है। अच्छा, बधाई देने के लिए लोग फ़ोन करते हैं जी, लोगों को रिलेशन में पता चल गया? हाँ, पता चल गया। कब की बात है, कब आपने टीम लगाया था? नई टीम लगाए थे 7 मई को। 7 मई को? मैडम कब टीम लगाई थी, आप टीम लगाई थी या फिर आपके हस्बैंड लगाए थे? हस्बैंड जी लगाए थे। अच्छा। हम नहीं लगाए थे, हमको नहीं पता है उतना, तो वही लगाते थे। रात में 7:30 बजे था मैच, तो दिल्ली और राजस्थान रॉयल का था, थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा सामने में करते थे, कुछ थोड़ा सा पता है, लेकिन टीम के बारे में मेरे हस्बैंड ही लगाते थे, ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। दिल्ली और राजस्थान का मैच था। हाँ। आप प्लेयर जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन से देश से है और कहाँ के हैं खेलने वाले? ज़्यादा तो हमको नहीं पता है, उन्हीं को पता है। तो ये तो बता रहे थे कि टीम मैडम लगाई थी उस दिन? नहीं, हम नहीं लगाए थे, मेरे हस्बैंड ही लगाए थे, सामने में लगाए थे तो देखे कि ये टीम है, जब जीत गए तो फिर दिखाए कि ये है। अच्छा, बहुत सारे विनर से मैडम मैं मिला हूँ, सबसे बातचीत हुई है, खास करके उनके अगर फैमिली से बातचीत हुई है तो वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं टीम लगाने नहीं देती, बट आप दोनों मिलके लगाते थे, आपने कभी इनको रोक टोक नहीं किया कि यहाँ पे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तकदीर ख़राब हो जाएगी, कुछ ऐसा? ऐसे तो था, पैसा तो बर्बाद हो ही रहा था, लेकिन इसको मना कर रहे थे। फिर सोचे कि देखा जाए, एक बार लक अपना आजमाया जाए कि मेरा लक कहाँ तक साथ देता है, तो इसीलिए। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी परिवार इन सब चीज़ों में साथ देती है, उसमें से एक आप हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा अच्छा, कितनी धनराशि जीती है आप? 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ। 2 करोड़ कितना होता है? एक दो बार नहीं, कई बार पूछेंगे आपसे कि कितना धनराशि जीती है? 2 करोड़ ही जीते हैं। 2 करोड़? हाँ,
2 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो है, क्योंकि हम लोग मजदूर लोग हैं तो किसान लोग के लिए तो ज्यादा तो है। किसी को कहेंगे कि हम 2 करोड़ जीते हैं, कोई विश्वास करने वाला है? बहुत ऐसा जगह हुआ कि नहीं, ये आप तो झूठ तो नहीं बोले, फेक तो नहीं है, ये बात चर्चा हुआ जिस समय हम बताए कि नहीं ये ऐसा ऐसा हो गया है, तो बहुत कोई लोग नहीं भी विश्वास किए, लेकिन फिर बाद में जब दिखाए तो कुछ कुछ सबको विश्वास हो गया। आप दिखाए? अच्छा, कैसे टीम लगाते थे? बहुत सारे पुरुष विनर से मिले हम, बार बार जानने की कोशिश की, क्या कोई जादू मंत्र है, क्या कोई ट्रिक्स है जिससे लोग जीत जाते हैं? तो सब लोगों ने बताया, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप किस प्रकार से सपोर्ट करती हैं और कैसे टीम लगा के लोग जीत सकते हैं। नहीं, टीम तो हम नहीं लगाए थे, मेरे हस्बैंड जी लगाए थे। टीम के बारे में हमको नहीं पता है कैसे लगाना है, लेकिन देखते थे, मान लीजिए टीवी वगैरह में भी देखते थे क्रिकेट की कौन खिलाड़ी अच्छा कैसा खेलता है, नहीं खेलता है, किसका बैटिंग होता है, जिसका बॉलिंग कितना अच्छा होता है, ये सब थोड़ा सा देखते थे। क्रिकेट आप देखते थे? हाँ, देखते हैं। अच्छा, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाए थे? वही बनाए थे। किसको बनाए थे, कौन कौन से खिलाड़ी? उसमें तो कैप्टन ये बनाए थे कि संजू सैमसन को बनाए थे कैप्टन, और वाइस कैप्टन बनाए थे कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव को, सही बोल रही मैडम जी? हाँ सर। अच्छा, कितना कितना पॉइंट आया था उसमें? पॉइंट 260 कैप्टन को आया था और 196। अच्छा, थोड़ा सा मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए ना, हम वहीं से देख लेंगे। ऐसे तो नहीं दिखता। दिख जाएगा मैडम, आप ड्रीम इलेवन खोलिए, हर एक चीज़ दिखेगा। ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा यहाँ चेयर पे रखिए, हम सारा कुछ ऐसे घुमाइए ना, थोड़ा ये इधर आ जाइएगा, थोड़ा ऐसे करके रखिए, ऐसे करके पकड़िए ना, हम सारा कुछ दिखा देंगे। ये साथ देखिए, दिख गया ना, पहले ही स्टार्टिंग में ही आ गया आपका। देखिए, ये दिल्ली कैप्टन और राजस्थान के बीच आपका मैच था मैडम, 2 करोड़ 9 रुपया जीता है आपने जी। बहुत बहुत मुबारक आपको इतनी बड़ी राशि के लिए, जो चाहा नहीं था उससे ज़्यादा मिला आपको। थैंक यू। पूरी लाइफ कमा के क्या आपके हस्बैंड इतना धनराशि जमा कर पाते क्या? नहीं, नहीं कर पाते ना। और देखिए, ये इनका टीम है, कितना टीम लगाए थे? 2 टीम लगाए थे आप? हाँ, 2 टीम। लोग 20 टीम लगा के नहीं जीत पाते, आप 2 टीम में जीत गए। देखिए, भाग्य जिसको साथ दे तो हो ही जाता है। अच्छा, ऐसा है, थोड़ा सा आप ऐसे करके पकड़िए ना, हम सारा कुछ दिखा देते हैं। देखिए, इनका टीम है मुनमुन मिसफिट करके इनकी आईडी है। 2 टीम लगाया था टोटल, जो विनिंग वाला कॉन्टेस्ट था जिसमें 1 नंबर पे आए थे, टीम नंबर 2 था, 986 पॉइंट के साथ आए थे। और ये बाकी इनका टीम है, संजू सैमसन कैप्टन थे, साथ में अभिषेक पोरेल थे, फ्रेश रोजर थे टी स्टब्स से, और साथ में एस दुबे थे, आर अश्विन, ए पटेल, उसके बाद संदीप शर्मा, कुलदीप यादव वाइस कैप्टन, मुकेश कुमार और खलील अहमद थे। देखिए, इनकी टीम में एक अनोखी चीज़ दिख रही है, जो मैं आपको बताया था कि शिवम दुबे, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका सिलेक्शन ना के बराबर होता है, जब उसको टीम में लेंगे ना, आपको जीतने से कोई नहीं रोकेगा। और संदीप शर्मा, इन प्लेयर को कोई नहीं लेता है, कैसे विश्वास जताए थे इन प्लेयर पे आप? नहीं सर, हम जिस बार भी, एक मिनट इधर कीजिए, एक मिनट इधर लाइए ना, थोड़ा सा कैमरा लाइए यहाँ पे। बाकी ये इनकी आईडी है, बगुआ वगैरह का किसी का फोटो नहीं लगा के रखे हैं आप? नहीं। अच्छा, ऐसे ही छोड़ दिए हैं। देखिए, एक बार इनका विड्रॉलिंग भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि विश्वास हो जाए। हालांकि सारा पैसा इन्होंने विड्रॉल मार लिया, बैंक में आ गया मैडम जी? हाँ, आ गया। देखिए, 2 करोड़ विनिंग राशि यहाँ दिख रही है, और साथ में विड्रॉल वाला सेक्शन जा करके देखेंगे तो 34,30,000 करके, और उसके बाद 70 लाख और 35 लाख करके आपने 3 बार में विड्रॉल मार लिया। हाँ, सारे पैसे काट के कितने पैसे आ गए आपके अकाउंट में मैडम? 2 करोड़ में उसमें काट के 60 लाख काट करके 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। मैडम, एक चीज बताइए, अब इतना पैसा का क्या कुछ करना है? घर बनाना है, बच्चे लोग का लाइफ बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना अभी है। तो बहुत सारे लोगों से मिले तो काफी ज्यादा खाने को पैसे नहीं होते थे, बट आपका तो सारा कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रैयत है आप लोग। 10-20 एकड़ तो जमीन है आपके पास? हाँ, उतना तो है। वो तो ये नहीं आता फिर भी बना अपना निजी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या बोलता है उसमें, बटिया वगैरह होता है, लीज लीज पर ले करके कर रहे हैं। तो कितनी पढ़े हैं आप? हम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है तो जॉब वगैरह इस बार बीएड करके बहुत सारे लोग टीचर बन गए, आपने कभी ट्राई नहीं किया क्या? फिलहाल जॉब में है।